तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। तो वरुण धवन की हॉरर कॉमेडी मूवी भेड़िया का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अब अगर बात करें ट्रेलर की, तो ट्रेलर देख के मज़ा आया। सच में ट्रेलर बहुत ही अच्छा है। पहली बार देख के लग रहा है कि शायद बॉलीवुड में कुछ नया करने की कोशिश की गई है। इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं तो इस मूवी के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो गया हूँ। अब आपको क्या लगता है वो प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस मूवी की स्टारकास्ट में हमें देखने को मिलेंगे वरुण धवन, कृति सेनन, साथ ही दीपक डोबरियाल और अभिषेक बैनर्जी जैसे टैलेंटेड एक्टर देखने को मिलने वाले हैं। अगर ट्रेलर देख के मूवी की स्टोरी का मोटा मोटा हिसाब लगाए, इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाला है कि जो वरुण धवन का कैरेक्टर है उसे जंगल में एक भेड़िए ने काट लिया है, जिसकी वजह से वरुण धवन एक भेड़िए में ट्रांसफर होने लगते हैं और जो भेड़ियों की पावर होती है वो धीरे धीरे वरुण धवन में अपीयर होने लगी है। तो हमें इसी स्टोरी की लाइन के आसपास पूरी की पूरी मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसमें थोड़ा हॉरर और कॉमेडी का तड़का भी लगाया जाएगा। मूवी की स्टोरी तो बहुत अच्छी लग रही है। ऐसी स्टोरी लाइन के साथ आज तक बॉलीवुड में कोई बड़ी मूवी हमें देखने को नहीं मिली है। तो अगर इस मूवी का एग्जीक्यूशन अच्छा हुआ तो हमें एक बेहतरीन मूवी देखने को मिल सकती है, जिसका पोटेंशियल इस मूवी की स्टोरी लाइन में है। और जो वरुण धवन का काम है वो भी अच्छा लग रहा है। ऐसी एक सीरियस मूवी की वरुण धवन को बहुत ही जरूरत थी। हमें उनकी अच्छी एक्टिंग का नजारा बदलापुर मूवी में देख चुके हैं, लेकिन साथ ही बहुत सारी ऐसी मूवी भी देखी है जिसमें हमें वरुण धवन की ओवर एक्टिंग भी देखने को मिलती है। तो वरुण धवन के लिए अभी तो फिंगर क्रॉस है, लेकिन ट्रेलर में उनका काम अच्छा लग रहा है। अब अगर बात करें इसके VFX की, तो ट्रेलर देख के मुझे VFX अच्छा लगा। स्पेशली जो वरुण धवन का भेड़िए में ट्रांसफर होने वाला सीन था वो अच्छा लग रहा था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी जगह बहुत ही अच्छा VFX देखने को मिला है। कुछ कुछ जगहों पे आप इजीली इसके VFX को नोटिस कर लोगे, लेकिन मूवी के मेकर्स ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। जो इम्पैक्टफुल सीन थे, जो भेड़िए के सीन थे, उसमें हमें अच्छा VFX देखने को मिलता है। लेकिन कुछ ऐसा सीन भी है जहाँ पे हमें अच्छा VFX देखने को नहीं मिलता है, लेकिन शायद बॉलीवुड को हमें इतनी छूट तो देनी पड़ेगी। अब अगर बात करें इसके बैकग्राउंड म्यूजिक, तो जो ट्रेलर में हमें बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलता है वो ठीक ठाक है, लेकिन जो ये बॉलीवुड के ट्रेलर में सॉन्ग डालने का आइडिया है वो किसका है और क्यों है वो मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ट्रेलर में सॉन्ग डालने की क्या जरूरत थी? ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी होने वाली है और जो इसके ट्रेलर में हमें कॉमेडी देखने को मिलती है वो तो ठीक ठाक है। कॉमेडी कुछ कुछ जगह पे अच्छे से वर्क भी करती है, लेकिन कई जगहों पे ये फोर्सफुल लगती है। तो उम्मीद करते हैं कि हमें इस मूवी में अच्छी कॉमेडी देखने को मिले, क्योंकि इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं अमर कौशिक और इससे पहले उन्होंने श्री मूवी को डायरेक्ट किया था, जिसमें हमें बहुत ही अच्छी हॉरर कॉमेडी देखने को मिली थी। और तो और ये भेड़िया मूवी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है और इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने अब तक 2 मूवी देख रखी है, जिसमें सबसे पहली मूवी थी श्री मूवी और उसके बाद मूवी आती है रूही, और इसके अलावा और 2 मूवी हमें इस यूनिवर्स में देखने को मिलने वाली है। तो अब आप इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए कितने एक्साइटेड हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपको ये ट्रेलर कैसा लगा वो भी मेंशन करना मत भूलना। तो ओवरऑल बात करें तो ट्रेलर अच्छा है। मैं पर्सनली इस मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि शायद हमें इस मूवी में कुछ नया देखने को मिलने वाला है। तो इन सभी बातों के साथ इस वीडियो को ही पेन करते हुए, अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।